रेस्ट की बात करो सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे आप ये प्रेस कर दोगे तो लाइट आएगा, बंद करना है ये कर दीजिए। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। सो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:40, अगर मैं वॉच में आपको दिखा दूँ। और आज का जो जर्नी होने वाला है वो होने वाला है थाने से पुणे। ट्रेन नंबर है 11007 जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1960 के अराउंड पे। यहाँ पर मैं जो ट्रैवल करने वाला हूँ वो है विस्टाडोम कोच। मेरे पीछे है थाने स्टेशन। किलोमीटर्स की बात करूँ तो 159 किलोमीटर्स। टिकट प्राइस की बात करूँ तो 828 रुपीज़ 95 पैसे इंक्लूडिंग प्रीमियम और कन्वीनियंस फीस। इसके साथ अगर आप भी विस्टाडोम कोच जर्नी ट्रैवल करना चाहते हो तो इस वीडियो में टिकट कैसे बुक करें वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा ये जो डेक्कन एक्सप्रेस है ये डेली CST से पुणे जाती है। इसी के साथ और 5 ट्रेनें जो जाती है CST से पुणे। ट्रेन के नाम में आपको बताऊँ, डेक्कन क्वीन है, सियागढ़ एक्सप्रेस है, प्रगति एक्सप्रेस है, इंटरसिटी एक्सप्रेस है, इंद्रायणी एक्सप्रेस है। ये इसके अलावा और 5 ट्रेन है। ट्रेन मेरा है 7 बजे जो CST से निकलेगी और यहाँ पहुँचेगी अराउंड 7:35। फिलहाल के लिए वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। आप अगर चैनल पर नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं डायरेक्टली जब ट्रेन आएगा। ये अपना कोच EV1 अंदर चलते लगेज कर और अपना कोच और सीट आगे बताते हैं आपको। प्रेजेंट स्टेशन सामने आपको दिखता है TV, CCTV कैमरा, AC कोच है। यहाँ से बढ़िया सब व्यू। आई फिनिश माय स्टडी क्यूरेटिंग द एंटायर आइडिया नर्चरिंग। फुटरेस्ट की बात करो सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पे। बॉटल होल्डर यहाँ पे जैसे बॉटल रखे वैसे, ये बैग रखने की जगह काफ़ी बड़ा पूरा लगेज वगैरह यहाँ पे रख सकते। यहाँ पे भी लगेज है। इसके बाद में चलते वॉशरूम, फायर एक्सटिंग्विशर, वॉश बेसिन, डस्टबिन, मिरर, दोनों इस तरीके से जैसे सोपन। यहाँ पे ये बंद करने के लिए यहाँ पे वॉश बेसिन, सूप डिस्पेंसर, टॉवेल सामने मिलता है, मिरर, ट्यूबलाइट, ये कुछ, ये कमोड यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लश करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको कुछ अगर बताओ, एक सेकंड में इस तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे आपको लाइट नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप ये प्रेस कर दोगे तो लाइट आएगा, बंद करना है ये कर दीजिए। ये ऑप्शन है। इसके बाद में हैंड वॉश कर दें, बाहर निकल दें, ऑटोमेटिकली ओपन। और यहाँ पे विस्टाडोम कोच, जो कोच है अभी जिस पर मैं खड़ा हूँ ये विस्टाडोम कोच है बेसिकली। मतलब जो सीट आगे है उस सीट से यहाँ पे एक ओपन व्यू वाला डब्बा लगाया गया है। दो फैंस नज़र आएंगे, कैमरास नज़र आएंगे, लाइट नज़र आएंगे, ट्यूबलाइट आपको जैसे जैसे ट्रेन मूव हो रहा है वैसे बढ़िया सा नज़र आपको यहाँ से नज़र आएगा। ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके से घूम के आराम से बैठ के आप कॉर्डिनेट कर सकते हो। तो ये
चेयर है और वहाँ पे फोटो लेने का। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये चेयर का वही पता निकली यहाँ पे। प्रेस करके डायरेक्टली ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भाई के साथ। नाम है निकेत के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये भी पुणे तक के रहेंगे और जो हम लोग का सीट भी जो स्टार्टिंग में सीट ऐसे था अब वो रोटेट हो चुका है तो इस तरीके से घूम सकते हैं। Present station, Nero Junction.
स्टेशन टेल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पंकस लगेंगे, जो पंकस अटैच होंगे वो भी आपको दिखाई डिटैच होगा। फिलहाल इसका काम ये है कि ये यहाँ से पुश कर रहा है और आगे का जो इंजन लगा हुआ है वो ब्रेकिंग कंट्रोल कर रहा है। इसको निकलने के बाद आपको बता दो, शायद से हम लोग लोनावला अब खंडाला पहुँचे। यहाँ से मैं अगर आपको बता दूँ ट्रेन ने हॉल्ट किया, खंडाला के बाद पहुँचेंगे लोनावला। ये बंकर्स यहाँ पे डिटैच होके पहुँच चुके लोनावला। बाहर आपको वड़ा पाव का आवाज़ भी सुनाई देगा और बंकर्स यहाँ पे डिटैच होके ट्रेन की जर्नी आगे बढ़ेगी। जो इंजन कनेक्टेड है वो है WAP-7 अभी फिलहाल के लिए। ट्रेन से डिटैच होके पीछे जा चुके हैं।
अब ये क्रॉस कर रहा है तलेगांव स्टेशन, हालांकि 1 मिनट का ही हॉल्ट था यहाँ से। अब आगे मेरे बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे माइक पे कंटिन्यूस अनाउंसमेंट है। जो स्टेशन आ रहा है शिवाजी नगर है, इसके पास चले गई खड़की स्टेशन, अब आएगा पुणे जंक्शन, मिलेंगे पुणे में। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पता चला कि ये जब 11007 दिल्ली पुणे पहुँच रही है, 3 सवा दिन के आसपास 11008 होके मुंबई जाएगी। अगले दिन यही ट्रेन जन शताब्दी बन के जाएगी मड़गांव। आप देखते हैं विस्टाडोम कोच कैसे बुक करना। तो पहले तो आपको IRCTC के एप्लीकेशन या IRCTC के वेबसाइट पे जाना होगा, बुक टिकट। यहाँ पे आपको स्टेशन डालना होगा, जैसे थाने से पुणे, तो मैं यहाँ पे डालूंगा थाने जंक्शन, यहाँ पे डालूंगा पुणे। यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करूंगा, आप जो भी डेट पे ट्रैवल करोगे वो सर्च ट्रेन्स, जो जो ट्रेन ये रूट से जाती है वो सारे ट्रेन आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये फर्स्ट क्लास AC जो रहता है सिद्धेश्वर एक्सप्रेस में वो नज़र आया, कोयम्बतूर एक्सप्रेस में वो देख रहा था, पर मेरा जो ट्रैवल था वो विस्टाडोम है, तो वही आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। अब मैं जैसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेन्स नज़र आते हैं, डेक्कन क्वीन में भी विस्टाडोम है, तो EC जो नज़र आ रहा है आपको, CC चेयर कार कोच है उसमें नहीं, EC में सीट अवेलेबल है, पर मेरा जो ट्रैवल कर रहा था मैं वो डेक्कन एक्सप्रेस से कर रहा था। यहाँ पे ट्रेन नज़र आ रहा है 11007 डेक्कन एक्सप्रेस। पहले तो मैं रूट चेक कर लूँगा कि कौन से रूट होते हुए ये पुणे पहुँचाएगी। ये रूट और स्टेशन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके बाद में मैं EC पे क्लिक करूँगा। EC में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा है कंप्लीट बुक्ड है, क्योंकि 44 सीट से विस्टाडोम में, पर आप कभी भी ट्रैवल प्लान करो वेल एडवांस में प्लान करना, और इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। सो भाई पहुंच चुके पुणे जंक्शन, अभी सफ़र हो चुका है ख़त्म विस्टाडोम कोच का, काफ़ी बेटर है। अगर बारिश होता और आज तो और बेहतरीन लगता, आज बारिश नहीं था। तो इस वीडियो को रखते यहाँ तक के, वीडियो पसंद आया हो शेयर करना ज़रूर। आप अगर पहली बार ट्रिप प्लान कर रहे हो तो करीबन 7 से 8 स्टॉप ये ट्रेन रुकती है, उसके बाद में आगे बढ़ती है। अब फिलहाल के लिए मैं पुणे पहुँचा हूँ, रुकूँगा थोड़ा यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you guys.